तुम लोग लड़की को ले जाओ, मैं इसको संभाल लेता हूँ। चल चल, कमीने, खबरदार जो मेरी बेटी को छुआ तो छोड़ दो मेरी बेटी को। बहुत उछलता है ना अपने कलम के जोर पे, हैं? कुछ भी लिख देता है अपने अखबार में, क्यों? लिखूंगा, जरूर लिखूंगा। अगर जिंदा रहा तो तुझ जैसे गद्दारों के खिलाफ जरूर लिखूंगा। हाँ, लिखना जरूर लिखना, कल के अखबार में ये नाटक भी लिखना। हराम के, मैं आज तेरी आंखों के सामने तेरी इज्जत की धज्जा उड़ा दूंगा। हराम के, देख लिया अपनी गलती का नतीजा? नतीजा तो तुझे मैं दिखाऊंगा हरामजादे, अब मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा। जज साहब, शायद आपको याद होगा, आज से 3 साल पहले ये गोल्ड मेडल आपने एमके गांधी लॉ कॉलेज की फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्टूडेंट मेघा दीक्षित को अपने हाथों से पहनाया था। आज वही गोल्ड मेडलिस्ट आपसे ये कहना चाहती है कि ये आदमी जो आपके सामने खड़ा है, ये समाज के नाम पर एक कलंक है। He's a rapist, he's a murderer. इसने मेरे साथ बलात्कार किया है, मेरी आंखों के सामने मेरे माँ बाप को काट दिया। इस आदमी को हमारे समाज में रहने का कोई हक नहीं है योर ऑनर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, प्लीज लेट मी फिनिश। मिस्टर मिर्चंदानी, इन्हें बोलने दीजिए। मैं जानती हूँ मिस्टर मिर्चंदानी क्या कहने वाले हैं, क्योंकि कानून की सारी किताबें मैंने भी पढ़ी हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि किताबों में जो भी लिखा होता है वो कोर्ट और कचहरी में नहीं होता। अब मिस्टर मिर्चंदानी मुझसे गवाह मांगेंगे, सबूत मांगेंगे, जिनकी खोखली बुनियाद पर यह कानून टिका हुआ है। हर ये तो उन वकीलों में से है जिनका पेशा यही है कि सच को झूठ और झूठ को सच कैसे बनाया जाए। इनका कोई भरोसा नहीं। ये तो ये भी कह सकते हैं कि उस हादसे के दिन चतुर सिंह इस मुल्क में ही नहीं था। Exactly, Your Honor. तो फिर देर किस बात की है? वो नकली पासपोर्ट, नकली टिकट, नकली होटल का बिल जहाँ चतुर सिंह ठहरा था, वो जज साहब को दे दीजिए ताकि जल्द से जल्द फैसला हो जाए। वो सारे सबूत इस फाइल में मौजूद है योर ऑनर, ये रहे वो सारे सबूत जो इन्हें निर्दोष। ब्रिलियंट मिस्टर मिर्चंदानी, ब्रिलियंट। मिस मेघा दीक्षित, आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? जज साहब, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप इन झूठे सबूतों का गला घोटकर एक ऐसा सही फैसला सुनाएं जिससे आने वाले कल में चतुर सिंह जैसे भेड़िया पैदा ना हो, जो फिर से समाज, कानून, औरतों और बच्चों के साथ खेलने की हिम्मत ना करे। योर ऑनर, कानून की शिक्षा में गोल्ड मेडलिस्ट होने के नाते मिस मेघा दीक्षित दलीलें तो बहुत अच्छी कर लेती है, मगर वो शायद ये भूल गई है कि अदालत में दिल छुलेने वाली दलीलें नहीं चलती। देश को बेचने वाले गद्दार, स्मगलर्स, क्रिमिनल्स का केस लड़ते लड़ते पैसों के लिए तुमने अपने आप को कानून के साथ बेच दिया है। तुम जैसे वकीलों का दिल होता है मिस्टर मिर्चंदानी? अरे तुमसे तो वो वैश्याएं अच्छी होती हैं,
जो बेचती जरूर है मगर अपना जिस्म बेचती है, अपने देश को, अपनी आत्मा को, अपने ईमान को नहीं बेचती। तुम जैसे चंद वकील इस कानून और अदालत की तोहीन हो। अरे अगर मेरा बस चले तो मैं तुम सबकी डिग्रियां छीन लूं। मिस मेगा, कंट्रोल योरसेल्फ। कंट्रोल? अरे क्या कंट्रोल करूं जज साहब, क्या कंट्रोल करूं? अरे एक नारी की इज्जत लूट जाने के बाद भी अगर उसे रो रो कर अपने इंसाफ की भीख मांगनी पड़े तो शर्म आनी चाहिए ऐसे कानून को और उसके रखवालों को। मिस मेगा, ये अदालत की तोहीन है। तुम इंसाफ मांगने आई हो या छीनने? जज साहब, किसने कहा कि इंसाफ मांगने से मिलता है? अरे इंसाफ ना ही मांगने से मिलता है और ना ही छीनने से। आज तो इंसाफ बिकता है, सिर्फ बिकता है। इसीलिए चतुर सिंह जैसे वैशी दरिंदे अपना सीना तान कर समाज में घूमते हैं, कानून को रुमाल समझ कर अपनी जेब में रखते हैं। योर ऑनर, मिस मेघा दीक्षित बिना मतलब की बातें करके अदालत का वक्त जाया कर रही है, इसलिए मैं अदालत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अदालत अपना फैसला सुनाए। अरे ये क्या फैसला सुनाएंगे, क्या फैसला सुनाएंगे? ये फैसला मैं सुनाती हूँ। तमाम गवाहों के बयानात और सबूत की बिना पर अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि श्री चतुर सिंह जनता के सेवक बेकसूर है, इसलिए इन्हें बड़ा इज्जत भरी किया जाता है। यही है आपका फैसला जज साहब। मेरी बात सही निकली। जज ने उन झूठे गवाह और खोखले सबूतों की बुनियाद पर चतुर सिंह को छोड़ दिया और मैं अदालत के कटहरे में खड़ी अपने देश के अपाहिज कानून को देखती रही। तू भी तो इस बस्ती में अकेला आया था, क्या तेरा अपना कोई नहीं है? ना माँ है, भैया नहीं मालूम नहीं, और तू? कभी किसी को लूटा नहीं, हराम का खाया नहीं, बेवड़ा नहीं पीता, बीड़ी पीता हूं मुंह से बदबू आती है, सोच ले। मारे गए ना, मेघा दीक्षित को पार्सल बनाकर लाने वाले थे ये हरामजादे और खुद पार्सल बनकर चले आए। वशिरा, उस कुत्ते को सबक सिखाने का कोई ऐसा रास्ता ढूंढो कि वो तो क्या पूरा का पूरा इलाका कांप उठे। लक्ष्मीदास जी, अपने माथे का पसीना पोंछ डालो और मेरी बताई बातों को अपनी खोपड़ी में डालो, समझे? चलता हूं अब। क्या बात है बापू, कौन था वो आदमी? उसे यहां पहले तो कभी नहीं देखा। तुझे क्या लेना देना इन सब बातों से? मुझसे मिलने को अजनबी नहीं आ सकता क्या? आ सकता है बापू, क्यों नहीं आ सकता? मगर उससे मिलने के बाद आप पसीने में तरबतर क्यों हो गए? सच बताओ बापू, बात क्या है? कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है इसमें। आपकी लड़खड़ाती जबान ये बता रही है मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। बापू, अगर आपने सच निकाला आपको अपनी इकलौती बेटी की कसम है। कोई बात, किसने कहा तू मेरा इकलौता बेटा है? दो बेटे हैं मेरे, छोटा तू है और बड़ा प्रताप है। दनिया सच बता, क्या बात है? तेरे एक नहीं दो दो बेटे जिंदा है, बता बात क्या है? नहीं वो तो है ना, वो तो है ना, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। क्या होता है, वो दो चीज है जो इंसान को अंधा बना देती है, जमीन और जायदाद।
इसने योगराज की बेटी से प्यार किया और हम दोनों बापों ने मिलकर उसका धंधा कर डाला। धंधा, अच्छी लड़की है ना? लड़की अच्छी है। और योगराज वो तो साला बहुत बड़ा खिलाड़ी आदमी है और मैं सीधा साधा व्यापारी, उसके खेल में मैं फंस गया हूं। अब इस खेल में या तो मेरी बस्ती जाएगी या मेरी जिंदगी जाएगी। नहीं बापू, हमारे होते आपको कुछ नहीं होगा। कौन है वो लोग, नाम बता। अरे बेटा, उन लोगों की ताकत का तुझे अंदाजा नहीं है। सारा शहर उनके सामने सर झुका के चलता है, अपनी हैसियत नहीं है। अरे हैसियत की बात छोड़, तू पहले मुझे उनका नाम पता बता दे। बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, तू जाके चाय बोल, पहले जाके चाय बोल, जा। प्रताप, मुझे लगता असली बात बापू गोल कर गए। मैं ये बात कभी नहीं मान सकती अतुल। मैं अपने डैडी को अच्छी तरह जानती हूँ, वो मेरी खुशियों के लिए ऐसा कभी नहीं कर सकते। और फिर धन दौलत की हमें क्या कमी है। ममता, अगर तुम अपने डैडी को अच्छी तरह जानती हो तो मैं भी अपने बापू को अच्छी तरह जानता हूँ। वो आदमी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलेगा। मुझे तो डर है कहीं अपने प्यार को। हमारे प्यार को कुछ नहीं हो सकता अतुल, कुछ नहीं। और एक बात मेरी भी सुन लो, अगर मेरे डैडी ने हमारे प्यार का सौदा किया है तो मैं अपने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ और सब कुछ। मुझे क्यों याद किया? लक्ष्मीदास, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई चीज पसंद आ जाती है तो वो उसे छीन लेते हैं, मगर हम उनमें से नहीं हैं। हमें जो चीज पसंद आ जाती है हम खरीद लेते हैं। तुम्हारा लक्ष्मी नगर हमको बहुत पसंद है। वहां युवराज के साथ हम बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं। ये सूटकेस के अंदर 3 करोड़ रुपया कैश है और तुम्हारे सामने ये एग्रीमेंट के साथ 2 करोड़ का चेक है। दाम बिल्कुल बराबर है म्युनिसिपैलिटी के वैल्यूएशन के हिसाब से। अब इस एग्रीमेंट पे साइन करो, खोके उठाओ और ऐश करो। मगर ये मुझे को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, यह पुलिस केस है। यादव, फोटोग्राफ्स लो। लगता है इन्होंने आत्महत्या की है। दिखाई नहीं देता, इन्हें मारकर लटका दिया गया है।
इसका फैसला ना आप कर सकती है ना हम। हवलदार, डेड बॉडी को नीचे उतारो। देखिए इंस्पेक्टर, देखिए, है क्या इनके गले पर कोई निशान? हर आदमी जब आत्महत्या करता है तो उसके गले पर निशान होते हैं, उसकी जबान बाहर निकल आती है। साफ साफ नजर आ रहा है कि इन्हें मारकर लटका दिया गया है। मेघा जी प्लीज, आप हमें हमारी कार्रवाई पूरी करने दीजिए। हाँ करो, कार्रवाई करो। अरे इस्माइल भाई साहब को एक साहब के लिए चाय बोलो, कुर्सी लाओ, लिखो जो जी में आए वो लिखो, और बाद में डाल देना पुलिस थाने के किसी गोडाउन में सड़ने के लिए, जहां लाखों के सड़ रहे। लिखो लिखो। इस तरह गर्म होने से कोई फायदा नहीं, जो हो चुका सो हो चुका। लक्ष्मीदास जी की मौत का मुझे भी अफसोस है। अरे बाबा ज्यादा अफसोस मत करो, मेरा धनिया उड़ जाएगा कहीं। मिस्टर प्रताप प्लीज शट योर माउथ एंड कीप क्वाइट। व्हाट डू यू मीन कीप क्वाइट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ? हां ये खाकी वर्दी पहन ली, ऊपर टोपी पहन ली, हो गए कानून के रखवाले। अरे कानून यहां से जानो, यहां से जताओ, पहले अपने खून में बहती हुई बेईमानी को मिटाओ। निकले कार्रवाई करने, साला कोर्ट इनकी, कानून इनका, सबके सब साले मिले हुए। मैं खुद गुनाहगार है, वो क्या लिखेगा रिपोर्ट? इन्हें पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हवलदार, ए ए ए हवलदार, ए संभाल के, ए देख यहाँ छोटा मगज होता है उसको धक्का लगेगा ना तो आदमी मत। मुखाग्नि के लिए आइए। बड़ा बेटा होने के नाते मुझे एक वचन दे। मैं जिधर भी मरू ना, मेरी चिता को तू ही आग लगाना। प्रताप, बापू की इच्छा पूरी करते। मैं हूं ना।